हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस मैरिड टेस्ट पर, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉर्स ग्राम यानी कुलट की दाल और लिटिल मिलेट्स यानी कुटकी से बनने जा रहा बहुत ही हेल्दी और क्रिस्पी नाश्ता, बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 240 ग्राम लिटिल मिलेट्स लिए हैं और यहाँ पे हमने 60 ग्राम ली है कुटकी, जिन्हें हमें दोनों को अच्छे से वॉश करके भिगो के रखना है करीब 4 से 5 घंटे के लिए। तो हमने यहाँ पे लिटिल मिलेट्स को एक बाउल में डाल के पहले एक बार धो लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून पोहा और इसे एक बार अगेन धो के हमें इसे भिगो के रख देना है। इसी तरह से यहाँ पे हम साथ में ले रहे हैं हमारी हॉर्स ग्राम में हम डाल रहे हैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून करीब मेथी दाना और उसे भी हम अच्छे से वॉश करके भिगो के रख देंगे करीब 4 से 5 घंटे के लिए। तो दोनों को हमने अच्छे से वॉश करके भिगोने के लिए रख दिया है और 4 से 5 घंटे के बाद जब अच्छे से फूल जाएंगे तो हमें इनका पानी निकाल देना। मैंने इनका पानी फेंका नहीं है, अलग निकाल के रख लिया है और नीड के हिसाब से जब इनकी ज़रूरत पड़ रही थी इन्हें पीसने के लिए तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इन्हें पीस लिया है। करीब 4 से 5 चम्मच पानी मेरा लिटिल मिलेट्स को पीसने में लगा और हॉर्स ग्राम में करीब मेरा लगा होगा 7 से 8 चम्मच पानी और अच्छे से एक स्मूथ बैटर हमने मिला लिया है और दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे 1/2 चम्मच मैंने डाला है सेंधा नमक और उसके बाद इन्हें हम अच्छे से 4 से 5 मिनट फेंट लेंगे और फिर हमें इन्हें 6 से 7 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख देना है। आप चाहें तो पूरी रात के लिए इसे छोड़ सकते हैं। लिटिल मिलेट्स और हॉर्स ग्राम काफ़ी हेल्दी होती हैं, इन्हें अपनी डाइट में जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए। इनकी और रेसिपीज़ भी हमने बना रखी हैं, आप चाहें तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैंने 6 से 7 घंटे के लिए इसे फर्मेंटेशन के रख दिया था और आप देख सकते हैं बैटर कितना अच्छा फ्लफी हो गया है। और दूसरी तरफ मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है, मैं इसे नॉनस्टिक तवे पे बनाने जा रही हूँ और यहाँ पे मैंने तवे पे 1 पोर्शन बैटर का डाल दिया है। इसे हमें अच्छे से फैला देना है और जब ऊपर से थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करा है, आप यहाँ पर देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं। और बस इसे एक बार हमने पलट देना है जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड्स के लिए हमने इसे पलट दिया था और चाट मसाला और थोड़ी सी हमने लाल मिर्च डाल के इस पर सर्व करेंगे इसे हम। बस इसी तरह से एक एक करके हम सारे हेल्दी और क्रिस्पी हॉर्स ग्राम एंड लिटिल मिलेट्स के डोसे बना के तैयार करेंगे। इन्हें आप नारियल की चटनी के साथ या धनिये की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये खाने में और हेल्दी भी होते हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें और हेल्दी लाइफ के साथ खुश रहें। थैंक यू।